इस वक्त एक बड़ी खबर, वायुसेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कुन्नूर के पास यह हादसा हुआ है और इस हादसे के शिकार CDS बिपिन रावत भी हुए हैं। उस चॉपर में, उस हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत भी सवार थे। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। यह घटनास्थल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और सभी लोग इस वक्त ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर हादसे में जो लोग इसके शिकार हुए हैं सभी सुरक्षित हो, सभी सलामत हो, उनको ज्यादा चोटें ना आई। लेकिन हेलीकॉप्टर की स्थिति को देखकर लग रहा है कि यह हादसा काफी भीषण था। और जैसा ENI न्यूज एजेंसी के मुताबिक खबरें आ रही है, उसके मुताबिक स्थानीय लोगों ने वहां पर दो जले हुए शव को देखा, जिसकी जानकारी मिलिट्री ऑफिस की दी गई और तुरंत वहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा इस हादसे के कुछ मिनट के बाद और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए वहां पर मीडिया के लोग और लोकल लोग भी वहां पर पहुंच गए, लेकिन सबसे पहले प्रशासन और सेना की सबसे पहले यह प्राथमिकता थी कि तुरंत जितने भी घायल लोग हैं उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। अभी यह पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया कि हेलीकॉप्टर में टोटल कितने लोग सवार थे। खबरें यह आई कि पहले 6 लोग सवार थे, बाद में खबर यह आई कि 4 लोग सवार थे। लेकिन ENI के मुताबिक CDS बिपिन रावत के अलावा उनके साथ उनके स्टाफ और कुछ फैमिली मेंबर्स भी इस चॉपर में थे। इस वक्त यह बड़ी खबर, वायुसेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है कुन्नूर के पास, जिसमें CDS बिपिन रावत। ग्राफिक्स के जरिए जरा अपने तमाम दर्शकों को समझाने की कोशिश करते कि ये पूरा चॉपर दरअसल क्रैश कैसे हुआ। देखिए ये एक जगह से उड़ान भरता है और जब ये नीलगिरी के पहाड़ के करीब पहुंचता है तो अचानक उसमें देखिए कुछ खराबी आती है और नीचे गिरता विमान क्रैश हो जाता है और उसमें आग लग जाती है और 90% हिस्सा विमान का जल जाता है। लेकिन राहत की बात यह है कि CDS जनरल विपिन रावत इसमें सुरक्षित है। हालांकि देखिए उन्हें मामूली चोटें जरूर आई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हो रहा है। इसमें कई लोग सवार थे, सेना के कई ऑफिसर सवार थे। किसी कार्यक्रम में सेना के शरीक होने के लिए तमाम लोग जा रहे थे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल ये पूरा हादसा पेश कैसे हुआ है। एक जगह से जब ये चॉपर उड़ान भर रहा था नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच, कुन्नूर वो इलाका है तमिलनाडु का जहां पर ये चॉपर पहुंचता है और फिर अचानक वो उसमें कुछ खराबी आती है, चॉपर नीचे आता और क्रैश हो जाता है, जिसका 90% जो हिस्सा है लगभग जल चुका है। लेकिन राहत की बात यह है, और कहा जाए सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि इसमें CDS जनरल विपिन रावत सुरक्षित हैं। हालांकि देखिए स्थानीय लोगों का यह भी कहना कि दो वहां पर ऐसे शव उन्होंने देखे हैं जो 80% जले हुए हैं और इसमें CDS जनरल विपिन रावत के साथ साथ कहा जा रहा है कि उनके फैमिली मेंबर्स भी सवार थे।